प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के जम्मू कश्मीर के साबा दौरे से पहले आज आतंकवादियों ने जम्मू के सुजुवान इलाके में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बस पर हमला कर दिया, जिसमें एक सहायक उपनिरीक्षक ASI शहीद हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने त्वरित जवाही कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि CISF की बस पर हमला जलालाबाद इलाके में चड्डा कैंप के पास हुआ। बस में CISF के 15 जवान सवार थे। वे अपनी सुबह की पाली की ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी जम्मू शिविर के पास तड़के करीब 4:25 पर आतंकवादियों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में एक ASI शहीद हो गए और करीब 6 अन्य घायल हो गए। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादियों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक सैटेलाइट फोन, एक 47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। ADGP ने कहा, हमने अभी तक अभियान बंद नहीं किया है और तलाश जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दोनों आतंकवादी कथित तौर पर जैश ए मोहम्मद संगठन से ताल्लुक रखते हैं और संभवतः साबा के पल्ली में प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले जम्मू में फिदायीन हमले की फिराक में थे। CISF जवानों को ले जा रही बस पर हमले ग्रेनेड फेंका गया, उसके तुरंत बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। CISF कर्मियों ने गोलीबारी का प्रारंभिक ढंग से जवाब दिया और आतंकवादियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती समूह के दो आतंकवादियों के सुजुवान ब्रिगेड कैंप से सटे जलालाबाद इलाके में छिपे होने का संदेह था, जिसके कारण जम्मू पुलिस और अन्य सुरक्षा बल पहले से ही हाई अलर्ट पर थे।